अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका जो है रमज़ान, वो भी आई होप बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। चलो उधर चल के खेलेंगे। चलो चलो, अभी रास्ते में खेलना है। खरगोश की तरह उछल गए। बिल्लू तुम भी आओ, वो पीछे पीछे आ रहे। चलो अभी देखो हैं नया तरीका इनके खेलने का। चलो अब घूमना शुरू करो सपनी की तरह। ये जो टॉय है माइलो, इसके साथ इतना ज़बरदस्त खेलती है कि इसको यूँ ज़मीन पे ना गोल गोल घुमाते रहो तो उससे ना यूँ गोल गोल होके ना घूमती रहती है और इतना ज़बरदस्त खेलती है। तो आज भी ये खेल तो रही थी, मैं इसको कोशिश कर रही थी कि सही से खेले, मगर वो बार बार थोड़ा सा घूम रही है और फिर उसके बाद ना फिर लेट जाती है और लेट के ना फिर खेलना शुरू कर देती है। शायद वो थक जाती है क्या। वैसे तो अम्मी इसको अक्सर खिलाती हैं तो वो बहुत ही अच्छा ना यूँ गोल गोल घूमती है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन आज ना ज़रा ठीक से घूम नहीं रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की इसको खिलाने की कि ये एक नया तरीका था इसके खेलने का, नया तरीका एक। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा ये खेलती है ऐसे, तो आज मैंने सोचा चले इसकी ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है ये अभी। वो है ना बीच में ब्रेकर। बिल्लू तुम ब्रेक मार देते हो, ब्रेकर। चलो माइलो ये देखो, हाँ ये माइलो ये इधर इधर कर को, हाँ ये मैं टॉय को बार बार घुमा तो रही हूँ मगर बिल्लू भी साथ में ना अपने हाथ आगे कर कर के उसको जो भी है ना वो चूहा टॉय पे लगा वो उसके उसको ना रोक रहा है बार बार। तो वो माइलो घूमने स्टार्ट ही करती तो बिल्लू उसको रोक देता है। तो आज बिल्लू भी उसके साथ साथ है ना खेल रहा, इसीलिए वो सही से ना खेल नहीं रही है। बिल्लू बार बार रोक के जा रहा है उसको। बिल्लू कह रहा है बस मुझे पकड़ा दो, मैं ही खेलूँगा। गिरी जाती है। लगता अभी खाना दिखाया है। यार तेज तेज घुमाऊंगी। बिल्लू चलो तुम घूमो। बिल्लू दोनों एक साथ। ये लो ये देखो 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 घूमो घूमो घूमो। बिल्लू असल में बिल्लू है ना वो पकड़ लेता है। हाँ बिल्लू पकड़ माइलो, वो फिर पता रुक जाता है तो वो वहीं पे स्टैचू हो जाती है। ये माशाल्लाह ये लो थक गई है। ये देखो माइलो के इर्द गिर्द फेरा लग रहा है। ये लो बिल्लू तुम घूमो। चलो लो बिल्लू को घुमाती हूँ तो वो पकड़ लेती है। अम्मी पहले के जैसे कितना प्यारा लग रहा है। इसको दे हुए मुंह में पकड़ के भाग जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये अफ्तारी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और इस बार थोड़ा सा हमने डिफ़िकल्ट ट्राई किया है। जैसे आलू के पकौड़े होते हैं ना उसी तरह है, मगर ये चिप्स जो होती है फ्रेंच फ्राइज उस शेप में हमने ये पकौड़े बनाए हैं। ये देखने बना रही है अभी मेरी बहन, ये देखिए कैसे बन रही है। तो अभी मेरी बहन बना रही है। एक्चुअली हमने ना ये दोपहर में ही तकरीबन अभी 4:15 हो रहे हैं, तो हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि गैस का बहुत इशू चल रहा है। पिछली बार भी जब अफ्तारी हम बनाने लगे थे तो ना गैस ख़त्म बंद हो गई थी सारी, तो गैस बंद हो गई थी
इसलिए फिर हमने ना जो चूल्हे वाला सिलेंडर होता है ना उस पर फिर हमने बनाए थे पकौड़े वगैरह या जो भी कुकिंग का काम था फिर उसी पे किया था हमने। तो इसलिए अब पहले रोज़े में तो हो गया ये, अब हमें पता चल गया कि भाई गैस जो है वो एंड बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे गैस बंद हो रही है, तो इसलिए फिर आज हमने एडवांस में ही 4 बजे के तक करीब ही आज हमने ये स्टार्ट कर दिया। देखें इस तरह अच्छा ये इसके बाद अभी हम प्याज वाले भी बनाएंगे और ये रायता है इसके साथ पकौड़ों के साथ रायता खाया जाएगा। और हाँ वो सिलेंडर भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, हमने जो चूल्हे वाला सिलेंडर है वो तो शुक्र है कि हमने लिया हुआ है, अगर नहीं होता तो समझ लें वहीं काम रुक जाता सारा। ये इस तरह पूरा बेसन तैयार था, सब तैयार था, मगर गैस नहीं थी तो इस वजह से सारा हमारा जो होता वो मटेरियल सब ज़ाया हो जाता। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ सिलेंडर, तो ये वाला सिलेंडर है जो हम लेके आ गए थे रमज़ान से पहले ही तकरीबन लाए थे, ज़रूरत थी हमें उस टाइम भी क्योंकि पहले भी बहुत गैस की लोड शेडिंग हो रही थी तो इसलिए हम लेके आ गए थे। तो ये देखें माइलो आ गई है, माइलो इसलिए आई है क्योंकि सिलेंडर मैंने निकाला है अभी, और जब भी कोई नई चीज़ देखती है ना फौरन आ जाती है, चलो हटो आप ही को बना दे दो, कोई भी कुकिंग कर रहा हो बीच में चिपक जाना इसने, बस लेट ही आती है चिपक जाती है, कहती है मुझे प्यार करो कुकिंग नहीं करो। बिल्लू तो सोया होता है मज़े से सुस्त है वो। और यहाँ पे अभी जो मेरी अम्मी है वो इधर फ्रूट चाट की कटिंग स्टार्ट कर दी अम्मी ने, खरबूजा, और इस बार ना हम कीनू भी डालने लगे हैं थोड़ा सा ना इसमें, ट्राई करते हैं किस तरह का टेस्ट आता है। हाँ ये हमें गिफ्ट मिला था, तो ये थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाएंगी अभी अम्मी, और बाकी पकौड़े तो बन ही रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पे जो आलू की थी, आलू के जो पकौड़े थे तो वो तो कंप्लीट हो गए हैं सारे निकालने, और बहुत सही फ्राई हो गए ये। और यहाँ साइड पे फिर हम रखेंगे प्याज के पकौड़े, अभी मसाला तो उसका बन रहा है, ये देखें मेरी जो बाजी उन्होंने मसाला बना दिया है, और इसको भी हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड डे है रमज़ान का, तो उसकी अफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही है, उसी की ये वीडियो है। आलू के पकौड़े पहले बना चुकी मैं, तो अब ये प्याज जो कटा हुआ था उसको मिक्स करके बेसन में, तो उसके अब पकौड़े बना रही हूँ। पहले ही मतलब सब काम करके ना, असर की अभी अजानें भी नहीं हुई थी, तो असर से पहले ये सब फ्राई वाला काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कराची का मौसम भी काफ़ी अच्छा और खुशगवार हो गया है, और गर्मी जो पहले हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी वो भी अब ख़त्म हो गई है, अब पंखे वगैरह नहीं चलते, तो काफ़ी अच्छा अब मौसम हो गया, रमज़ान के रोज़े अब आसानी से रखे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।